Hello, let's read this question. so this question says a conveyor belt is moving at a constant speed of two meter per second. a box is gently dropped on it, okay The coefficient of friction between them is nu is equal to zero point five. The distance that the box will move relative to the belt before coming to the rest on it z is equal to ten meter per second square is option a is one point two meter option b is zero point six meter option c is zero meter. एंड ऑप्शन डीज अवर जीरो पॉइंट फोर मीटर ओके तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि देखिए इस क्वेश्चन का पहले की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में हमें कितना डिस्टेंस क्या करेगी बेल्ट ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट ठीक है सॉरी बॉक्स बेल्ट बॉक्स आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वट रिस्पेक्ट टू द बेल्ट बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आना है ठीक है बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये यह हमसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया ठीक है तो देखिए जब ऑब्जेक्ट क्या करेगी उस पर मूव करेगी तो उस पर आपका कौन सा फ्रिक्शन लगेगा उस पर आपका कैंटिक फ्रिक्शन लगेगा ठीक है जब ऑब्जेक्ट आपका बेल्ट के ऊपर मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट नहीं जो आपका ब्लॉक है वो आपका क्या करेगा बॉक्स है वो आपका कन्वेयर बेल्ट पर जब उसको हम इनिशियली रखेंगे ठीक है तो उसके पास क्या होगी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू द बेल्ट बेल्ट के रिलेटिव में ठीक है और उसकी जब फाइनल वेलोसिटी जीरो रिलेटिव टू द बेल्ट तो वहां पर क्या लगेगा एक करेंटिव फ्रिक्शन एक्ट करेगा ठीक है करेंटिव फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा करेंटिव फ्रिक्शन विल एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है? मोशन के डायरेक्शन में उनका जो रिलेटिव हो रही है उसके डायरेक्शन के अपोजिट में आपका करेंटिव फ्रिक्शन एक्ट करेगा ओके अब देखिए

जो आपका बॉक्स है बॉक्स का एक्सेलरेशन अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो आपका बॉक्स का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा ठीक है तो देखिए बॉक्स पर एक फोर्स लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ठीक है ये कौन सा फोर्स लग रहा है ये फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है ठीक है दिस इज इक्वल टू अवर फ्रिक्शन फोर्स ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का इक्वली लगेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका एम होगा ये आपका क्या होगा न्यू के इंटू एन के इक्वल होगा एन के आपका नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स ठीक है बॉक्स का मोशन क्या आपका देखिए हॉरिजॉन्टल है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल मोशन है तो उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगा एम जी और विच इज बैलेंस बाय द नॉर्मल ठीक है तो नॉर्मल और एम जी यहाँ से क्या हो जाएगा आपके इक्वल हो जाएंगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन दैट एक्सेलरेशन आपका कितना होगा न्यू के टाइम जी ठीक है एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा न्यू के टाइम्स जी के इक्वल आ जाएगा ठीक है और ये एक्सेलरेशन देखिए ड्यू टू फ्रिक्शन है तो ये नेगेटिव नेचर का होगा यानी कि आपका क्या करेगा रिटार्डिंग मोशन होगा आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा रेस्ट पर लाने के लिए रिस्पॉन्बल होगा ओके अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि जो आपकी कन्वेयर बेल्ट है वो क्या कर रही है टू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्या था जब हमने उसको ड्रॉप किया होगा उसमें जैसे हमने ऑब्जेक्ट को उस पर रखा होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो होगी बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है टू मीटर पर सेकेंड ठीक है तो देखिए बेल्ट की वेलोसिटी जीरो मीटर पर टू मीटर पर सेकंड है और हमने ऑब्जेक्ट को उस पर ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी हम यहां से बोल सकते हैं कितनी होगी आपकी टू मीटर पर सेकेंड ठीक है ये देखिए ये आपका चेंज हो गए यहाँ पर हम बेल्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ठीक तो जब जब है box को, आपने, box को जब आपने तो देखिए रिस्पेक्ट तो में बेल्ट में अगर जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहां पर है आपका बेल्ट पर बैठा हुआ है ठीक है तो जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा की जो बॉक्स हमने रखा उसकी वेलोसिटी तो जीरो थी और बेल्ट की वेलोसिटी कितनी थी टू मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पर क्या है उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव है कौन सा रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट आपकी टू मीटर पर सेकेंड होगी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पर लाना है तो कितनी जीरो हो जाएगी जीरो एक्सीन अपने यहाँ पर काउंट कर लिया कितना आपका आपका और ये भी आपको नेगेटिव नेचर का होगा ठीक है तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है न्यूक् की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है आपको जीरो पॉइंट फाइव ठीक है न्यूक् की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन कितनी है आपकी जीरो पॉइंट फाइव गिवन है ओके okay, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं देखिए को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू जी जी आपको टेन तो हम इसको लिख सकते हैं ये कितना आएगा आपका फाइव मीटर पर सेकंड ठीक है एक्सेलेन कितना गया आपका माइनस फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है माइनस किस लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के कारण आ रहा है इसलिए नेगेटिव में दिखा रहा हूँ अब देखिए आपका एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट आ गया फिर हम यहाँ से इक्वेशन लगा सकते हैं देखिए यू गिवन है वी गिवन है एक्सेलेशन गिवन है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे बेस्ट इक्वेशन आपके रहेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्कोर टू टू तो एस ये लगा सकते हैं एक्सेलेशन कांस्टेंट तो हमने इस इक्वेशन की यूज किया फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी जीरो जीरो का स्क्वायर यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका टू का स्क्वायर लिख लीजिए बेल्ट में वो कितनी कर लेगा ठीक है माइनस फोर इज इक्वल टू अवर माइनस टेन इंटू ऑफ अवर एस ठीक है और यहां से आपका एस की वैल्यू देखिए फोर बाई टेन कितना लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर मीटर ठीक है meter, ये आपकी आगे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल्ड इन द बॉक्स ठीक है बॉक्स को जब बॉक्स uh, को जब हम उसमें रखेंगे जब बॉक्स को हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे तो उसकी बेल्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने में जो टाइम लगेगा वो वो डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लेगा उतने टाइम में जीरो पॉइंट फोर मीटर को क्या करेगा ट्रेवल कर लेगा ठीक है सो जीरो पॉइंट फोर मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेल्ट uh, और हम बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ठीक है तो देखिए जीरो पॉइंट फोर आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ठीक है सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच